नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। जैसा लोगों को उम्मीद थी उसी के मुताबिक आरबीआई ने लोन मॉरेटोरियम के अवधि को 3 महीने और बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई टर्म लोन लिया है जैसे होम लोन या ऑटो लोन, तो आपको अपनी ईएमआई पर अब 3 महीने की और मोहलत मिल गई है। पहले यह मोहलत मार्च से 31 मई तक की थी, जिसे 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। पर यह समझने और गौर करने वाली बात जरूर है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्च से अगस्त तक की 6 किस्तें आपसे नहीं ली जाएंगी। दूसरा ये कि इस दौरान जो भी ब्याज बनेगा उस पर आपको बाद में ब्याज भी देना होगा। ये समझ लीजिए, लोन मॉरेटोरियम का मतलब ईएमआई वेवर नहीं होता है। अब आपके पास विकल्प क्या है ये समझते हैं। ईएमआई टालने पर 6 महीने के इकट्ठा हुए ब्याज को आप टर्म लोन में बदल सकते हैं। आपका बैंक आपको कुछ विकल्प दे सकता है, जिसमें पहला विकल्प ये हो सकता है कि मॉरेटोरियम पीरियड में किस्त नहीं देने पर जो ब्याज बनता है उसका एकमुश्त भुगतान आप मॉरेटोरियम अवधि खत्म होने पर कर दें। दूसरा विकल्प आपके लिए यहां पर यह बनता है कि मॉरेटोरियम अवधि के दौरान जो भी ब्याज आपका बनेगा उसे लोन की बाकी रकम में जोड़ दिया जाए और उसे बची हुई ईएमआई में बराबर से बांट दिया जाए। तीसरा विकल्प यह है कि ईएमआई को न बदला जाए लेकिन लोन की अवधि यानी लोन टेन्योर टाइम टेन्योर को बढ़ा दिया जाए। चौथा विकल्प ही है, वो ये कि आप पहले की ही तरह सामान्य तौर पर अपनी ईएमआई कटने दें। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि आपके लिए मॉरेटोरियम सही है, तो मॉरेटोरियम किसके लिए? हर किसी की स्थिति के अनुसार इसका जवाब अलग हो सकता है। जैसे जिन कर्जदारों की आय पर लॉकडाउन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है उन्हें अपनी ईएमआई समय पर देनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी आय प्रभावित हुई है तो आप मॉरेटोरियम को चुन सकते हैं। पर आपको यह भी याद रखना है कि आप जो ईएमआई टालेंगे उस पर मोहलत अवधि के दौरान तो आपको कुछ नहीं देना होगा, लेकिन उस रकम पर ब्याज लगेगा और बाद में आपको चुकाना भी होगा, यानी आपके कर्ज की लागत बढ़ेगी। इसलिए ये ध्यान रखिए कि इस मोहलत की भी अपनी एक कीमत है। जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, अपनी स्थिति के हिसाब से लें। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।